अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा के हुए उपचुनावों में दो सीटों पर सपा द्वारा जीत हासिल करने को लेकर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है, जिसके चलते गोवर्धन विधानसभा के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुकेश चक्रवार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन कस्बे के डी गड्ढे पर जीत की खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विजय घोष के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। गोवर्धन विधानसभा अध्यक्ष मुकेश चक्रवार ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। गोरखपुर और फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छोड़ी गई विधानसभा सीट पर आज सपा की जीत हुई है और 2019 में केंद्र में भी सरकार सपा गठबंधन की बनेगी। सपा की जीत पर समस्त ब्रजवासियों में हर्ष का माहौल है। आज सपा पार्टी द्वारा किस मामले में क्या मामला? आज समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने, गोवर्धन विधानसभा के पदाधिकारियों ने मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखा है, जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में एक झूठाओं की सरकार चल रही है और फर्जी जिसको कहा जाता है, कहने के बाद कुछ नहीं करते, उसका उपचुनाव जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सीट छोड़ी थी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी सीट छोड़ी थी, वहां दोनों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के दोनों वहां से जीते हैं, जिसमें बसपा का समर्थन था, लोकदल का समर्थन था, उसकी जीत की खुशी हम लोगों ने गोवर्धन धीगड्डा पर एक खुशी जाहिर की है, आशावादी की है और मिठाई वितरण कार्यक्रम किया है। ये जीत हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं की है, ये जीत हमारे जो नौजवान प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको चुनाव लड़ाया, उनकी जीत है और ये जीत एक असत्य पर सत्य की जीत है। चार साल में इन्होंने जनता के साथ सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे वहाँ की जनता ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और इनको आगे के लिए आगाह कर दिया है कि 2019 में आपका यहाँ से सफाया होने वाला है, आप झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दो। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़े धमाके से हमारे 2019 में यहाँ से उत्तर प्रदेश से जीत करके जाएंगे। और देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तब नौजवानों के साथ छलावा किया जाता है, किसानों के साथ धोखा किया जाता है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से एक तरह से अपराधों की बाढ़ आ गई है, उसको लेकर के हमारी जनता ने उनको जवाब दे दिया है, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। और निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सांस रखने की ज़रूरत है और आपकी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनेगी और 2019 में सपा के समर्थन से के बगैर कोई केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है। सभी कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में आज रीगड्डे पर आकर के खुशी जाहिर की है और ये निश्चित रूप से खुशी 2019 तक हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में जमी रहेगी, 2022 तक जमी रहेगी और हमारे कार्यकर्ता बड़े दिल से और मन से और उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ
छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012 9557369469।